आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर के लिए। पशुओं से प्रेम की भी इंतहा होती है, ऐसी ही एक पशु प्रेमी है भाजपा सांसद मेनका गांधी। पशु प्रेमी मेनका गांधी का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने एक एसओ को, कुत्ते की टांग तोड़ने वाले आरोपी को तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। इस ऑडियो को भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता पंकज कश्यप ने सीतापुर से खास रिपोर्ट भेजी। दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कुत्ते को पीटने का मामला सामने आया, जिसके बाद जो सुल्तानपुर की सांसद है मेनका गांधी, उनका एक ऑडियो वायरल हो गया। हेलो, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार भैया, कौन? मैं नसीब सिंह बोल रहा हूँ, माननीय श्रीमती मेनका गांधी जी आपसे बात कर रहा हूँ। जी। हेलो। हाँ जी मैम, चरण इस पर। आप विजय सेठ बोल रहे हैं? जी मैम। जी भाई, आप लोगों ने कहा कि कोई रमेश वर्मा ने कोई कुत्ते को मारा है सीतापुर में। जी मैम। जी लेकिन मैंने अभी SHO से बात की, उसने कहा किसी ने जाकर की शिकायत नहीं की। मैम हमने उनको जो है एप्लीकेशन, असल में ये था कि ये छुट्टी पर थे जो प्रभारी महोदय है, कोतवाली प्रभारी महोदय, सेकंड वाले के पास में चार था, मैंने जाकर के उनको रिपोर्ट, मतलब वो एप्लीकेशन तुम्हारा कागज कूड़े में फेंक दिया। अब वो सीतापुर वाला, उसका नाम है तेज प्रताप सिंह, वो कह रहा है कि मैं अभी बैठा हूँ थाने में, जो भी आए मैं इस आदमी को गिरा गिरा रमेश वर्मा के खिलाफ अभी FIR दिखा दी। ठीक है, मैं दोबारा चला जाता हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एकदम चले जाओ। जी बस अभी 5 मिनट एकदम चले जाओ और फिर वहाँ से मेरी बात करो। जी 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 बिल्कुल मैम, ठीक ओके। यह ऑडियो जो वायरल हुआ तो इसके पीछे की जब हमारे संवाददाता ने तलाश की कि इसकी हकीकत क्या है, उसमें जो बात सामने आई उसे हम आपसे साझा करते हैं। पशु सेवा समिति के जो जिला सीतापुर के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं विजय सेठ, इनके पास एक कॉल आती है जिसमें बताया जा रहा है कि भाजपा की सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी बात कर रही हैं और उन्होंने साड़ियों में क्या कहा, हम आपको आप सुनवाते हैं। आपने ये ऑडियो सुना, इसके बाद जो दूसरा ऑडियो है यह है, बताया जा रहा है कि मेनका गांधी और एसओ टीपी सिंह के बीच, जो कोतवाली सदर सीतापुर के एसओ हैं टीपी सिंह, उनसे वार्ता का ऑडियो है। इस ऑडियो को सुनिए आप। हेलो। हाँ जी मैम, विजय बोल रहा हूँ। मैम पशु सेवा समिति से आपने कहा था ना बात करना? हाँ, बोलो। हाँ, मैं पहुँच गया, मैं पहुँच गया हूँ। मैं तो दे दो उनको। हाँ दे दिया उनको, मैं पंजीकृत करता हूँ। और उनको बोलो कि अरेस्ट करें। जी जी। तुम्हें दो काम करने हैं। जी जी। तो उसको अरेस्ट करना है। जी। और दूसरा उसको सारा पैसा देना है जो कुत्ते के ऊपर लगा है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गए। जी मैम। जी ये कहाँ है उसका पता दे दिया? जी मैम दे दिया। ऐसे चुके दो फोन। जी हाँ जय हिंद मैम। तेज प्रकाश जी, ये लड़के को पकड़ना है। हाँ वो अभी सिपाही को भेजा था तो इस समय संयोग से वो घर पे है नहीं। नहीं मगर उसको पकड़ना है। पकड़ कर इसको जेल भेजो। जेल भी भेजो, उसको पीटो भी, मेरी तरफ से 4 थप्पड़ लगा। और जितना पैसा लगा है ना डॉक्टरी करना, क्योंकि तो उसे कुत्ते की टांग तोड़ी है। जी जी। उससे उसने पैसा देना ही देना है। ठीक है। थैंक यू। इन दोनों ऑडियो को सुनने के बाद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि यह बात जब पशु प्रेमी मेनका गांधी के पास पहुंची थी तो बेहद गंभीर हो गई थी। दरअसल मामला ये था कि एक कुत्ते को बेरहमी से मारने का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उस पता चला कि उस कुत्ते की टांग टूट गई है, जिसे लेकर एक प्रार्थना पत्र पशु सेवा समिति के विजय सेठ ने कोतवाली में दिया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। जब मामला सांसद मेनका गांधी तक पहुंचा तो उन्होंने खुद इसमें व्यक्तिगत दिलचस्पी जो दिलचस्पी दिखाई, उसके बाद उन्होंने खुद विजय सेठ को फोन कर बात की, उसके बाद एसओ से भी बात की। उन्होंने एसओ टीपी सिंह को सख्त निर्देश दिए कि मामले में तत्काल FIR दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत, जो व्यक्ति है दोषी उसे उस पर कार्रवाई की जाए। मामले में जब हमारे संवाददाता ने मामले में कोतवाली प्रभारी से बात की तो उन्होंने ये बताया भी कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए और मेनका गांधी के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि वो
पशु प्रेमी है और उन्हें पशुओं से, पक्षियों से, जंगली जानवरों से, सभी से बहुत ज्यादा लगाव है। उनकी इस बात को लेकर कई बार सराहना भी की जा चुकी है। तो मेरा मानना भी है, हमारा मानना भी है कि पशुओं के साथ हमें प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए और उनको जो मेजबान है उन पर हमें रहम की धारणा से उनसे बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों ऐसी बेहतरीन खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार किसी बड़ी खबर के साथ हम आपसे जरूर फिर से रूबरू होंगे। तब तक ले दोस्तों जय हिंद, जय भारत।